आखिर फर्क क्या है हिंदी और एनिमे में? क्या ऐसी चीज है जो इन दोनों को अलग कर रही है? क्या हम कभी हिंटाई और एनिमे को साथ में मिला पाएंगे? क्या हम उनके गुठबंधन को मुठबंधन में बदल पाएंगे? इस सवाल का जवाब हमें एक ही एनिमे दे सकता है। रीडू ऑफ द हीलर। इनफ विद दिस क्रैप नाउ। जी हाँ, आपका भी कुछ ऐसा ही हाल होगा रीडू ऑफ द हीलर देखने के बाद। आप भूल जाओगे मेजर डिफरेंस हिंटाई और एनिमे के बीच। सो यू मस्ट बी थिंकिंग मैं क्या बोले जा रहा हूँ। एची जॉनरा ऐसी ही होती है, राइट? अब ऐसा क्या था इस एनिमे में, ऐसा क्या यूनिक था इसमें जो कि हर एक कोई इसे एक हिंटाई करार दे रहा है? एंड लेट मी रिमाइंड यू, इसके काइंड में ये एनिमे अकेला नहीं है। ऐसी और एक महान एनिमे है जिसका नाम है इंटरस्पीशीज रिव्यूअर्स। ये कुछ ऐसे एनिमेज हैं जो कि एनिमे इस वर्ल्ड को टोटली रीडिफाइन करते हैं। सो मूव ऑन टू द मेन प्लॉट ऑफ दिस एनिमे। कियारू द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस एनिमे। इस एनिमे की शुरुआत ही एनिमे के एंडिंग से होती है। कियारू इज ए हीलर, वो लोगों को हील कर सकता है, बट उसकी हीलिंग पावर एक प्राइस पे आती है। वो जिसे भी हील करेगा उसका दर्द उसे महसूस होगा। एंड या, इट्स अ बिग प्राइस टू पे। अब तुम जिसे भी हील करते हो एज एन हीलर, उसका दर्द तुम्हें महसूस होगा। सो बेसिकली वो उसे हील नहीं, उसे रीडू करता है। वो अपने पेशेंट्स का दर्द खुद अपने में लेता है। हाउ सेक्रीफाइसिंग, राइट? सो अब कहानी में आती है फ्लेयर द प्रिंसेस। बिकॉज ऑफ केयरूज यूजेबल एंड डिपेंडेबल पावर, प्रिंसेस फ्लेयर वॉन्ट्स हिम टू वर्क फॉर हर। बट हमें पता है ये पावर किस प्राइस पे आती है। ऑफ कोर्स केयरू उस अप्रोच को मना कर देता है एंड प्रिंसेस बीइंग प्रिंसेस उसको अरेस्ट कर लेती है। नाउ हियर कम्स द डार्क साइड ऑफ दिस एनिमे। हमारे मेन कैरेक्टर को जेल के अंदर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, रेप किया जाता है, ड्रग्स दिए जाते हैं सो दैट ही कैन फील द पेन व्हेन ही इज हीलिंग द पीपल्स। देखो, रीडू ऑफ द हीलर कंटेन्स वेरी डार्क स्टोरी और इसका प्लॉट जो है वो भी काफी अच्छा है, बट उस स्टोरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका एंड ट्विस्टेड सेंस ऑफ जस्टिस इस एनिमे को खराब बनाता है। देखो, अंटिल एंड अनलेस रीडू ऑफ द हीलर इस प्लॉट लाइन के साथ चल रहा है, तब तक तुम इस एनिमे को एंजॉय कर सकते हो। लाइक आई एम नॉट इवन किडिंग, यू कैन एंजॉय दिस एनिमे। हाँ, अगर तुम्हें हिंटाई प्लॉट से प्रॉब्लम नहीं है तो तुम कर सकते हो एंजॉय। एनिमे काफी ज्यादा डार्क और काफी ज्यादा वॉयलेंस से भरी है। अगर तुम्हें इन सब की आदत नहीं तो तुम एक पल के लिए डिस्टर्ब भी हो सकते हो उन सीन्स को देख के। देखा जाए तो ओवरऑल एनिमे वाज अबव एवरेज एंड जितने भी मैंने प्लॉट एंड स्टोरी की बकचोदी की वैसा सरकमस्टेंस नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बोला, रिप्रेजेंटेशन का तरीका एंड ट्विस्टेड सेंस ऑफ जस्टिस इस एनिमे को खराब बनाता है। बट या, इफ यू ओवरलुक दोज थिंग्स यू कैन एंजॉय दिस एनिमे स्लैश हेंटाई। सो या, अगर तुम्हें लगा था इंटरस्पीसीज रिव्यूअर से आगे कुछ नहीं हो सकता, हियर वी गो विथ रीडू ऑफ द हीलर। ओवरऑल एनिमेशन वाइज एनिमे वॉज माशाल्लाह एंड स्टोरी वाइज इसका बाप नल्ला। एंड हाँ, सॉरी अगर तुम इस एनिमे के बारे में पहले नहीं जानते थे और इस रिव्यू को देखकर इस एनिमे को देखने जा रहे हो, मैं ही हूं वो कारण जो तुम्हें बर्बाद करेगा, है तुम्हारे भोलेपन को नजर ना लगे। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।